अभी मैं आपको आज ले चलता हूँ रिप्लेस का बिलीव इट और नॉट। तो ये एक जगह है जो मैं पहले भी देखा नहीं, ऐसा तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ अचरज की चीज़ें देखने को मिलेंगे। चलिए मेरे साथ रिप्लेस बिलीव इट और नॉट। ये तो पटाया का सी बीच के पास ही है और नॉर्मली लोग इसे कवर नहीं करते हैं, तो इसे मैं कवर कर रहा हूँ आप सबके लिए। सेकंड फ्लोर में है, कई सारे टेडी बियर से बड़ा वाला तो आप देख लिए, कई सारे छोटे छोटे टेडी बियर हैं, लेकिन टेडी बियर से तो मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपको दिखाना चाहूँगा रिप्लेस बिलीव इट और नॉट। तो अभी हम लोग फिर सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। हम यहाँ टिकट लेंगे। तो दिस इज द रेट, 3D मूवी से लेकर आप जो जो देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं एट द सेम टाइम। और यहाँ कुछ चीज़ भी है जो कि आप फ्री में भी देख सकते हैं। मैं तो बस वो थोड़ा सा वो 3D मूवी देखकर जो है 289 बात उसको देख लूँगा, बाकी जो बाहर फ्री का है वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्स हंटिंग गेम, मजेदार है। बॉल बैलून ऊपर रहता है और बॉल उसको ऊपर धक्का मार मार कर ऊपर पहुंचा रहा है, बच्चों के लिए ठीक है। चेयर का भी पैर है, चलता हुआ चेयर, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। भयंकर चीज है ये, जिसको डरना है भाई अंदर जाए, हमें यहाँ पता है, मैं डरने के लिए हम थोड़ी आए हैं। हम कुछ और करेंगे, मजा लेंगे शहर का।
अंदर प्लेन घुस आया है, सॉलिड है। यहाँ से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। बस बैठ कर थोड़ा फोटो उठा लिए। मैं जा रहा हूँ थिएटर के लिए, जा रहा हूँ हैप्पी फैमिली देखने के लिए। आई नो आई एम जस्ट शोइंग योर प्लेस सो दैट टूरिस्ट विल कम। आई विल गो स्ट्रेट इनसाइड। यहाँ भेजा गया है, मैं भी यहाँ बैठूंगा और इस स्क्रीन पे इफेक्ट्स आएंगे और यहाँ मैं बैठ और मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। सीट का उठा पटक और पानी के बूंदे, ये सब जो मूवी आ रहा था स्क्रीन पे उसमें काफी मजा आने लगा और पूरे हॉल में मैं ही अकेला था। एंड दिस द लेडी जो कि वहाँ मेरे को दिया था 3D ग्लास और गुड, जो समय मैंने बिताया वर्थ पे था और मजा आ गया। फिर भी 5 मिनट का था लेकिन इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग। मोम की मूर्तियां आप देख सकते हैं, मैं तो अंदर जाने वाला नहीं हूं पैसा देकर। सोए हो भाई? तो यहाँ का टूर हम अभी समाप्त करेंगे और निकल चलेंगे फिर बाहर कुछ दूसरा चीज़ आपको दिखाने के लिए। तो रिप्लेस बिलीव इट और नॉट यही समाप्त करते हैं।